चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ महात्म का 13वां अध्याय सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार से है। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों को नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शालकी नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्म के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसका नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5ों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जीतमाय, ध्यायनिष्ठ और गुणातक ये 4ों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते। इन 4ों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4ों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो मनुष्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मनुष्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो वह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो ये था 13वां अध्याय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।